नहीं नहीं वो केबल वाले आए थे ना तो इसके लिए गई थी। अच्छा क्या बोल रहे शर्लिन? मैंने कहा कि जो मिठास हमारे रिश्ते में थी वो अब नहीं रही, तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगी 2-3 दिन के लिए। हाँ जी। तो मैं चाह रही हूँ कि पापा के आने से पहले जो कड़वाहट पैदा हुई है हमारे रिश्ते में वो हम हो सके तो जरा दूर करें। और मैं आपको घर पर इनवाइट करना चाह रही हूँ। नहीं, मुझे पहली बात का जवाब दीजिए। आपके घर पे पप्पा आ रहे हैं ना? अच्छा भी है, क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? एक ही बात का जवाब देना। क्योंकि मैं नहीं नहीं मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करना चाह रही हूँ। सिर्फ एक बात का भी जवाब दो। वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वी कैन डू अ वीडियो कॉल राइट नाउ। मैं एकदम शॉर्टकट में जवाब दो, मैं नहाने चली जाऊंगी, मुझे जाना है बाहर। नेल आर्ट स्टूडियो पर जाना है क्या? नहीं, अभी आगे आपसे कभी मिल पाऊंगी या बात कर पाऊंगी, सिर्फ एक बात का जवाब दो। ओके। आपने मेरे बारे में इतना झूठ क्यों बोला? आदिल को लेके मैंने आपको आदिल और आपके ऊपर इल्जाम लगाए और मैं दारू पी के आपको कॉल करती हूँ, आदिल की दरें पूछती हूँ, मेरी इतनी बदनामी आपने क्यों करवाई राखी के साथ मिलके? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। आप जहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी आपसे मिलने, मैं गणपति में भी आपके घर पे आऊंगी, बस इतना जवाब दीजिए। थैंक यू। तो इसका जवाब मैं आपके सामने देना चाहूंगी और आदिल को कॉल करके मैं आपको जिंदगी में कभी मिलूंगी नहीं अगर आज आप जवाब नहीं देंगे मुझे अभी। नहीं, तो मेरा इस बात का जवाब देंगे, आदिल का कॉल पर होना बहुत जरूरी है। आप आदिल को कॉल करो। नहीं, ये सब नहीं करना है। आपने ये बोला कि मैं आपको कॉल किया है क्योंकि तारीख 1 सितंबर की रात को आपने मुझे कॉल किया, उसके बाद जब मैंने आदिल को कॉल किया तो मैंने आदिल को क्या बोला ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आपको नहीं पता मेरी और आदिल के बीच में क्या बात हुई। मैंने आदिल को यही बोला कॉल करके कि आदिल रात के साथ बदतमीजी करी और प्लीज उससे कहो कि जिंदगी की मुझसे बात ना करे। शर्लिन, आदिल से आदिल तक पहुंच गए, मैंने आपको एक ही चीज पूछी, हम सब करेंगे, मैं सब कुछ करूंगी, मैं जानना चाहती हूँ कौन कौन खेल रहा है। राजश्री, आदिल, आप और मैं, ठीक है, हम तीनों का इस बातचीत में होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट जरूरी है क्योंकि शर्लिन आपसे बात करने के तुरंत बाद उस रात को मैंने आदिल को कॉल करके बोला। शर्लिन एक ही बात का जवाब दीजिए, भाड़ में गया आदिल, सब अपना अपना गेम खेल रहे, क्या मैंने दारू पी के आपको कॉल किया था? आप और मैं वीडियो कॉल पर नहीं थे, आप और मैं फोन कॉल पर थे। क्या मैं दारू पी, जिस तरीके का आप लोगों ने एक्टिंग किया है मीडिया के सामने बैठ के आपने बोला है? एक सेकेंड राशि, एक सेकेंड, क्या किसी भी इंटरव्यू में मैंने ये कहा कि मैं दावे के साथ कहती हूँ कि उस रात को राशि ने शराब पीकर मुझे कॉल किया? उसने शराब पीकर कॉल किया क्यों? क्योंकि वो हर रात शराब पीती है। तो आपका स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट है कि आप, आपकी जीवन शैली क्या है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसलिए दारू करना। तो दारू वाली बात कहाँ से आई? दारू वाली बात कहाँ से आई? इन्हें दारू पी के कॉल किया, मैं बहुत तल्ली थी, मैं पूछ रही थी आपको आदिल कहाँ है, आदिल कहाँ है, दारू में मैं एकदम नशे में धुत थी, ये सब क्या दिए आप लोगों ने स्टेटमेंट? आपसे उम्मीद, आप लोगों ने मतलब आपने और ने स्टेटमेंट दिया तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ क्या राजश्री? आपने बोला है, राखी को कहाँ से पता चला है सब कुछ? आपके आपने खुद मीडिया में बोला है सब कुछ। शर्लिन, मैंने बोला कि यकीनन राजश्री, नो शर्लिन, आप वापस जाके पूरे स्टेटमेंट देखे, मैं सब कुछ बर्दाश्त है मुझे, मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दो अगर मैंने आपकी कोई आपके साथ गलती की है, मैंने अगर आपके साथ कोई बदतमीजी की है। आपने मेरी इज्जत मीडिया में उछाली बैठ के, मैं रात रात दारू पी के आदिल को पूछती हूँ कि आदिल कहाँ है, आपने मुंह से बोला है साड़ी पहन के। नहीं मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती थी शर्लिन, आप प्लीज मुझे वो वीडियो क्लिप भेजिए। मेरा काम नहीं है ये, मेरा काम नहीं है ये। राजश्री ने दारू पीकर या शराब पीकर मुझे कॉल किया? शर्लिन, मेरा काम नहीं है ये वीडियो क्लिप निकालना और ढूंढना, आपने किया है सब कुछ, आप ढूंढो, आप देखो, आप ठीक है, मैं चेक करके आपको कॉल बैक करती हूँ। मेरी जहां तक मुझे याद है मैंने यकीनन शर्लिन नहीं, आपने इतना गंदा मुझे, आप मैं इतनी हर्ट हूँ आपसे, इतनी हर्ट हूँ। और राखी तो रोज मुझ पर एलिगेशन लगाती है, एवरी डे आपने भी लगा दिया, आपको तो मैं अपना अपना समझती थी ना। एलिगेशन लगाया आप बताइए भाई, आप लोग ना मुंह पे झूठ बोलने वाले लोग,
मैं आप लोगों से नहीं जी सकती। आप लोग क्या है ये राशि? ये आप लोग मुंह पे झूठ बोलने वाले लोग हो, पेट में छुरा खुपसने वाले लोग हो। राखी ने जो एप्लीकेशन लगाए हैं उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हूँ? आप लोग मत बोलो ना, मेरी बाजू में बैठे थे। जिस दिन आपने ये सब कुछ किया, आप उसके बाजू में बैठी थी। आप दोनों ने मिल के मीडिया में मजाक बनाया है, उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हूं? नहीं हो, लेकिन जो दोनों ने मिलके मुझ पर एलिगेशन लगाए उसमें तो आप दोनों जिम्मेदार हो ना। उसने और मैंने मिलकर एलिगेशन लगाए, कौन से एलिगेशन? आदिल को मैं पूछती हूँ आपको, रात को दारू पी के इतनी टल्ली हूँ मैं, ए आदिल किधर है आदिल, ऐसा किसने करी? मैंने करी। हाँ, और आपने नहीं, उसने की मिमिक्री मैंने करी। और आपने बोला मैं परेशान हो गई थी, दारू पी पी के मुझे कॉल करती है, आपने नहीं बोला ये बात? मिमिक्री किसने करी? एक ही बात पे अटकना बंद करिए, आपने ये बात नहीं बोली? नहीं, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको लगता है मैं आपको आंसरेबल हूँ? नहीं, फिर झगड़े की नियत से मैंने कॉल ही नहीं किया आपको। आप मुझे तो लगता है आपको फोन करना ही नहीं चाहिए था। मुझे आपके अंदर इतनी हिम्मत है, एक लड़की की इज्जत उछाल के आप मुझे कॉल कर रहे हो। मेरे ख्याल से पापा अगर घर पर आ रहे हैं तो किसी को इनवाइट करके ये पापा मेरे भी, मैं आपको मेरे भी घर आ रहे हैं, पापा मेरे भी घर आ रहे हैं, क्या मैंने आपको इनवाइट किया? आना चाहूंगी आपके घर पर, और आप भी आइएगा। जी नहीं, मैं अपने पापा के पास बैठूंगी, अपने पापा की सेवा करूंगी। और कुछ बचा होगा मेरे बारे में आपको, मैंने आपसे आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है शर्लिन, आपका दिल जानता है। लेकिन अगर आपको मेरे साथ और गलत करना हो ना, आप जाके करिए, आपके साथ कुछ आप जाके करिए है, मेरे साथ झगड़ा करने की कॉल ही नहीं किया। आपको मुझे कॉल करना ही नहीं चाहिए था। क्यों? आप जो मैं बातें भूल गई थी ना, आपने मुझे याद दिलाई कि शर्लिन ने मेरे साथ इतना धोखा किया, मेरे बारे में इतना गंदा बोला बैठ के। क्योंकि शर्लिन से मैं उम्मीद नहीं करती थी, मैं आपको अपना समझती थी, अपने समझ के एक दो बातें शेयर करती थी। एक मिनट, शर्लिन जी बहुत महान है आप। मैंने कहती कि मैं महान हूं? अरे हमने देख लिया, मैंने देख लिया, आप बहुत महान हो। और आपने वो सबको इनवाइट किया, आप मुझसे मुझे लगा कि चलो राशि को इन्विटेशन भेजने से पहले थैंक यू, आपने मुझे इन्वाइट किया, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। इन्विटेशन अभी तक भेजा तो जब जो कड़वाहट है पहले उसको दूर कर लेते हैं, उसके बाद मैं इनवाइट करूंगी। मुझे धोखे देने वाले लोग मेरी मेरी जिंदगी पे, मेरे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाने वाले लोग, मैं कभी ना इनसे मिलती हूँ, ना बैठती हूँ, ना इनके घर जाती हूँ, ना कभी जिंदगी में रिश्ते रखती हूँ ऐसे लोगों के साथ। मैं फिल्मी लड़की नहीं हूँ ना, आज इधर कल उधर, झूठी लड़की नहीं हूँ ना कि मीडिया में दिखने के लिए मैं कुछ भी बोलूंगी, बस मुझे मीडिया में दिखना है, मैं कोई भी स्टेटमेंट देती हूँ। तो मैं फिल्मी हूँ? मैंने आपका आपको नहीं बोला, मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं काम करके खाने वाली लड़की हूँ, तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सच्ची लड़की हूँ। मेरी जिंदगी में राशि कोई माय बाप नहीं है, मैं भी काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ। मैं आपकी बात ही नहीं कर रही, मैंने कहा आप महान हो, महान व्यक्ति हो, मैं इससे ज्यादा आपको क्या ही बोल सकती हूँ। महान बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, अरे आप बहुत महान है, कभी अकेले में सोचना आप कितने महान है, देवी हो आप, देवी। आपके मुंह से महान, देवी, ये सब गाली जैसा लगता है। देवी हो, देवी, जिस अंदाज से आप बोल रहे हैं, हाँ, किसी गाली से कम नहीं लगता। जो जैसा आपको लेना है आप ले सकते हैं, मैं तो देवी बोल रही हूँ। अगर आपको वहां से गाली लेनी है तो गाली ले लीजिए, देवी का देवी लेनी है तो देवी ले लीजिए। देखो राशि, ताने मारने की नियत से, झगड़ा करने की नियत से मैंने कॉल ही नहीं किया। आपको मुझे कॉल करना ही नहीं चाहिए था, आपने मेरी इज्जत उछाली है मीडिया के सामने बैठ के, जो मैंने किया नहीं है। लोगों को ये बताया कि आदिल के बीच में और मेरे बीच में अफेयर है, भाई और बहन का रिश्ता। आदिल को कॉल पर, अरे छोड़े आदिल को, कॉल पर क्यों लो, क्यों लो, आप लोग बात करो। करने के बाद उस रात को मैंने क्या बोला आदिल को? मैंने बोला शर्लिन, राशि ने शर्लिन मेरे साथ, शर्लिन क्या बदतमीजी की मैंने आपके साथ, क्या बदतमीजी की मैंने आपके साथ, और आदिल मेरा मालिक है जो आप उसको कॉल करके बोल रहे हो। शर्लिन मुझे बोलो ना, छोड़े के लिए ऑर्डर करो, आपके साथ झगड़ा करने की नियत से कॉल नहीं किया आपने, मुझे आपको मुझे कॉल नहीं मारने की नियत से, आपको मुझे कॉल नहीं करना चाहिए। हाँ मैं ही गलत हूँ, आप देवी हो ना, दुनिया तो पूरी गलत है, मैं भी गलत हूँ, और कुछ, आप तो देवी हो। ओके राशि, थैंक यू सो मच, बाय। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।